अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है वो प्रॉफिट परसेंटेज पे हैं। इससे पहले हमने प्रॉफिट फाइंड करना सीखा था। अगर किसी ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वो देख लें। तो आइए देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड किया जाता है। हाउ टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। फरान बॉट अ बाइक फॉर ₹35,000 एंड सोल्ड फॉर ₹40,000। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज मीन्स फरान ने 35,000 में एक बाइक ली और 40,000 में उसने सेल की, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना बना। आइए देखते हैं। पहले हम डेटा लिखेंगे। डेटा जो है सी पी मीन्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 35,000 और एस पी मीन्स सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 40,000। ठीक है, सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट देखते हैं हमारा क्या निकलता है। प्रॉफिट का फार्मूला प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी हमारी 40,000 माइनस सी पी हमारी 35,000। प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000 से माइनस 35,000 करेंगे 5,000। मीन्स जो फरान को प्रॉफिट मिला 5,000, अब इसका जो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे अब। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सी पी मीन्स कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है हमारा 5,000 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मीन्स जितने की उसने बाइक ली थी 35,000। अब हम एक टिप्स आजमाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करना था 100 से। ठीक है, ये तीनों ज़ीरो ख़त्म करेंगे और ज़ीरो तीनों ख़त्म है। 5 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम लगेगी और 35 के 7 टाइम। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 7 करेंगे 0.14। ठीक है, मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या करेंगे, ये दोनों ज़ीरो ख़त्म और ये ज़ीरो ख़त्म। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 114/14। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो मिला वो फरान को कितना मिला, 14 मिला। ये हमारा आंसर है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल देखते रहना। अल्लाह हाफिज़।